भाई अगर कटोली जीतेगी बरदर्स हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर फख्र आलम साहब 1000 का इनाम देंगे। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि फख्र आलम भाई इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। बरदर हॉस्पिटल का बड़ा नाम रोशन किया था खेल के मैदान से। तो डॉक्टर शफीक साहब, मिर्जा परवेज बेग साहब और फख्र आलम साहब, ये तीनों भाइयों की जोड़ी जगह बैठे मैच देख रही है। अच्छी समिति यहाँ पे और ये श्रियांश अपने खेल के दम पर यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है इनका। तो दोस्त बहुत प्यारा ये मुकाबला। मिर्जा सलीम पे लालगंज आपका शुक्रिया। सियास जो सर्विस कर रहा है दोस्त अपने खेल के दम पर यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, बेहतरीन है। लेकिन इस मरतबा अब कोई गलती नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जायका तबारान जान शहीद मुगनी चिश्ती को भी मैं देख रहा हूँ आराम किया गया है यहाँ पर। तैयब भाई जायका दरबार इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, जो बड़ी मजबूत टीम आए हैं। और ये सियास सिंपल सर्विस खूब जब पास और ये फहद बट अवे। लेकिन मैं देख रहा हूँ वहां पे बहुत खूबसूरत गेम शो कर रही है कटोली। कटोली टीम, कटोली टीम अगर जीतेगी दोस्त तो बड़ा इनाम आने वाला है। बरदर्स हॉस्पिटल डॉक्टर फख्र आलम साहब 1000, मिर्जाली बेग 1000, 2000 के इनाम पैसे जीत चुकी है। श्रियांश ने संभाला है और ये श्रियांश झूम के मारा है, बेहतरीन अंदाज में खेला है। लेकिन संदीप डीजे साउंड अगर आप बैग से आवाज दें तो आपका साउंड सिस्टम ठीक है, लेकिन आप बैग से आवाज नहीं दे पा रहे हैं जिससे दिक्कत है। श्रियांश वंस मोर ब्यूटीफुल सर्विस और ये शो ही करण संधो सोही बेहतरीन गेम शो करने का ये मालिक है। बहुत प्यारा लाजवाब ये गेम शो करता है करण संधो, इन्हें मैं हर जगह देखता हूँ। जाने आलम और जयपुर सिकरौर जो इस खेल के मेहमान खास में नाम है वो भी आ चुके हैं, उनका शुक्रिया। अंडरनेट कर बैठे ये है सिरियांस। सिरियांस जो अपने ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं तो कुछ म्यूजिक जरूर सुनना उन्हें पसंद करते हैं। उसके बाद जब खेल में आते हैं तो एक म्यूजिक बजाते हैं, धुन अपने खेल का दिखा देते हैं। और ये बहुत अंदाज सर्विस बट ये बेहतरीन मरीका है। ये खेल चल रहा है, मुशर्रफ भाई विजयगंज देखे जा रहे हैं यहाँ पे। और ये सिरियांस किस तरह से अपने सर्विस करेंगे, पहले से दबाने के बाद दबाव में है। 2-0 का स्कोर है ये सिरियांस की खूब सर्विस। तेरे मेरे चक्कर में गेंद हुई डाउन, नाउ सर्विस चेंज 0-2 मिर्जा सलीम बेग लालगंज और जाने वाला मजापुर सिकरौर वसीम बिसामी उमर किंग नसीम भाई मिर्जाली बेग ये लोग मैच का मजा ले रहे हैं। लेकिन क्या जबरदस्त जवाब दे रहा है कटोली। ये कटोली बता रहा है कि नाम से नहीं काम करने पड़ते हैं, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं जायका दरबार अनजाने शहीद में, लेकिन अभी दर्शन उस अंदाज का खेल नहीं जिसके लिए जानी जाती है। और ये करण संधो थर्ड लाइन का बेहतरीन प्रहार, अभी सौरभ बैठा हुआ है, शैलेन विक्रम सिंह जिन्हें वर्ष में गेम मिला था वो भी मैं देख रहा हूँ बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुगनी चिश्ती जिन्होंने आजमगढ़ का नाम रोशन किया है, ये कर्नाटका खेल कर भी आए हैं दोस्त। बेहतरीन सर्विस अच्छा पास, लेकिन कटोली की टीम दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। नौजवानों की टोली है और ये सईद आलम आजमगढ़ का दुलारा है। फिर ये लवली, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, टूर्नामेंटल शॉट कहा जाएगा। जितनी भी तारीफ की जाए कटोली की आज कम है। आज सर चढ़ के जादू बोल रहा है यहाँ पर, बेहतरीन अंदाज में अपनी गेम को शो कर रहा है कटोली। सोच समझ के करण संधो सही आवेकर बैठे। वक्त अच्छा हो तो पत्थर भी महक जाते हैं, हो वक्त बुरा तो उसे चली जाती है खुशबू। तैयार है ये सब बेहतरीन सर्विस थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा पास बिल्कुल नहीं था और ये सईद आलम वर्ल्ड स्मैश किया, संभाल लिया गया वहां बड़ी आसानी के साथ। और इस मरतबा उसैद ने संभाला है, समीर फिर इस मरतबा पे टच आउट करने में कामयाब रहे। 2 बराबर के स्कोर है, 2 टीम का स्कोर बराबर। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा अल हुमैरा गारमेंट और
और फैजाबाद हॉस्टल जो मिर्जा अली बेग के नाम से खेलेगी। दोनों टीम बिल्कुल तैयार है, मैच खत्म होने के बाद इंतजार नहीं करना पड़े, इसलिए मैं बार बार अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अल हमारा गार्मेंट रईस साहब अपनी टीम को तैयार रखें, मिर्जा अली बेग अब्दुल्ला इब्राहिमपुर अपनी टीम को तैयार रखें, और मिर्जा अली वराम जो आजमगढ़ के हर गाँव में चर्चित चेहरा है अपनी टीम को बिल्कुल तैयार रखें। ये नौनिहाल नन्हा मुन्ना सा बच्चा बेहतरीन सर्विस कर रहा है, और ये लेकिन रिमाउस नहीं लिया। अभी ललित कुछ सोच रहे हैं किसकी याद में है ललित, आपको ग्राउंड पे आना होगा वरना काम बिगड़ जाएगा। 3-2 का स्कोर है, 3-2 ऑन द सर्विस। अच्छा पास और ये सईद, सईद वराम है। अब अपने खेल से लोगों के दिलों पे राज करता है मिर्जा सलाहुद्दीन बेग मेमोरियल ऑल यूपी वाली वाल टूर्नामेंट। मिर्जा सलाहुद्दीन साहब की याद में ये टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है मिर्जा जमशेद एंड कंपनी के द्वारा, और बेहतरीन ये खेल। और ये है मास के भाई, ये वकास दोस्त, और ये दुआ है कि मास जल्द अज जल्द फिट होकर ग्राउंड पर आए, लेकिन उसका छोटा भाई गेम को शो कर रहा है। वकास 3-3 का स्कोर है, दोनों टीम नेक टू नेक कदम से कदम मिला के चल रही है। ये है श्रीयांश यूपी पुलिस का शहजादा है, और आज इस गेम में क्या करेगा, अभी तक तालमेल नहीं बन पा रहा है कि कौन स्मैश करेगा कौन डिफेंड करेगा, तालमेल दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जाहिद जूनियर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और मास्टर मोकरम साहब बिना पारा या आपका मैं वेलकम कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और ये खेल को बहुत पसंद करते हैं मास्टर साहब, आज मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। 3-3 का स्कोर है, मिर्जा जमशेद साहब ने जो ख्वाब देखा उनके सारे भाइयों ने कहा मैं होना, और जो उनके कजिन है डॉक्टर आरिफ साहब वो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हर कोई आ रहा है, मैं का शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर कि आज तमाम लोगों ने बड़े प्यार दी। और फहीम भाई जिन्होंने कहा कि मैं पहले मतवार से मिल रहा हूँ, तो उनका भी शुक्रिया कि जमशेद भाई के बड़े भाई हैं, और नातिक भाई जो हमेशा खेल के साथ लगे रहते हैं, अहले अब भी हाँ को सलाम। इसको फिर खेल के लिए बेहतरीन ये खेल चल रहा है आपके सामने, और ये सोही बेहतरीन गेम शो कर रहा है पंजाबी पुत्र दोस्त, और पंजाबी पुत्र कभी हारता नहीं है। आपने नाम सुना होगा कैंसर का मर्ज कभी लोग कहते हैं कि हरा देता है, लेकिन युवराज सिंह ने कहा हम कैंसर को भी हरा दिया। तो ये पंजाबी पुत्र है सोही, करण संधु के नाम से जाना जाता है लेकिन प्यार से सोही कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे नाम हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, हमारे मुल्क के लिए खेलेगा, हमारे वतने अजीज का ये फनकार बनेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे इसे उसी स्क्रीन पर। एक मतलब फिर ये सोही टच आउट करना चाहा लेकिन फात समझदारी के साथ डिफेंस कर रहा है, और ये नौनिहाल बच्चे बता रहे हैं कि हम तैयार हैं आपके लिए, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। ये फिर ओवर पे लापता पूरा फायदा मिला, और इस मतलब सिर्फ सईद, लेकिन सईद को पूरा मैं देख रहा हूँ जवाब मिल रहा है, जवाब दिया जा रहा है, क्या जबरदस्त गेम चल रहा है दोस्त, ताली बजाते रहे इस अच्छे खेल पर। ये है श्रीयांश से, अच्छे खेल पे ताली बजाए मजा आएगा, तमाम लोगों का शुक्रिया। मिर्जा सलीम बेग लालगंज जाने आलम राजापुर सिकरौर और वसीम उमर किंग मिर्जा अली बेग, ऐसे तमाम लोगों का शुक्रिया। मिर्जा जमशेद साहब के इस वाले में रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड वो भी कह रहे हैं, और रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड जो दोनों ट्रॉफी स्पॉन्स किया है वो भी लाइव देख रहे हैं। एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बच्चों से, ये लंबाई का पूरा फायदा, जो बच्चे कुर्सियों में बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे वो कुर्सी छोड़ दें, कुर्सी तुरंत छोड़ दें, आप मैट पे आ जाए, अपने बड़ों को बैठने का मौका दें, यही तालीम दी गई है आपको और हमको। और ये खेल श्रीयांश क्या खूबसूरत गेम चल रहा है, और फिर यहाँ पर लेकिन अनाउंस किया गया वहां पर हल्का सा बात दिया एक दूसरे के चक्कर में। तो मास्टर श्रीयांश साहब या जितने भी हमारे सीनियर वॉलीबॉल के खिलाड़ी या शिक्षक बैठे हैं कटोरी की टीम को देख कर कह रहे होंगे ये कहां से सीख कर आई है, किस तरह से ये अपनी गेम को शो कर रहा है, 5-3 का स्कोर है। तो ये कटोरी की टीम बता रही है कि आज फन दिखाना होगा, तुम अपने फन को दिखाओ हम अपने फन को दिखाते हैं। कटोली के कोच ने कहा है नहीं तालीम दी जाती परिंदों को उड़ानों की, नहीं तालीम दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी।
दी आसमानों की बेहतरीन ये खेल चल रहा है और दिलकश अंदाज संभालने की कोशिश, लेकिन वन मोर पॉइंट सर्विस यहां पर मैं लिख रहा हूं कि तीन और पांच है, 3-5 चल रहा है मुकाबले में और बेहतरीन ये गेम आखिर सामने चल रहा है दोस्तों। फिर वहां पर सो ही ब्लॉक को तोड़ने में कामयाब रहा, सभी चेंज 5-3 के स्कोर पर, तो अच्छे खेल पे जरूर आप ताली बजाएं जी। ये मिर्जा सलाहुद्दीन बेग मेमोरियल ऑल यूपी वाली वॉल टूर्नामेंट चल रहा है, आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया। और ये सीरियस उम्दा सर्विस, सही पास नहीं था लेकिन समीर ने संभाला है, वो सैद आजमाया है श्रियांश को, फिर ये समी है और इस मतवा सोही को, कल सिंधु को, लेकिन कामयाब नहीं होने दिया वहां पर। और ये वकास थे सभी को चेंज करने में कामयाब, 3-5 के स्कोर पर। अगले मुकाबले के लिए अल हुमैरा गारमेंट रईस साहब अपने पतंग को तैयार रखें, कहीं आपका पतंग कट न जाए, अपनी टीम को बिल्कुल तैयार रखें। मिर्जा अली बेग अपनी टीम को बिल्कुल तैयार रखें और बुलाने के लेने में तो मजा आएगा। और फिर यहाँ पर जहरीला ड्रॉ का 5-3 का स्कोर है, 5-3 का स्कोर, दूसरा सेट, पहला सेट जीता है यहाँ पर कटोली, दूसरे सेट के लिए जद्दोजहद है, इस जद्दोजहद में किस तरह से अपने गेम को शो करेंगे देखा जाएगा। और ये श्रीलांश बहुत ही लाजवाब प्रकार को अच्छा पास और तोड़ने में कामयाब जरूर हुई थी। वेल डिसीजन, अब तक बहुत एक रोचक डिसीजन आया है। आरिफ हसन नर्सिंग होम आपका वेलकम कर रहा है, खैर मकदम कर रहा है, उदयपुर इस्लामी आजमगढ़ आपका वेलकम कर रहा है। आरिफ हसन नर्सिंग होम बेहतरीन ये खेल आपके सामने, बहुत ही प्यारा एक खेल चल रहा है, बिल्कुल सांस लेने का, बिल्कुल दोस्त मैं लिख रहा हूं कि यहां पर मौका नहीं दे रहा है, बिल्कुल चढ़कर अपनी गेम को शो कर रहा है। 3 और 5 और जर्मन होम्यो क्लिनिक डॉक्टर अहमद जलाली साहब की तरफ से अगर कटोली टीम जीतती है तो 500 रुपए की इनाम दिया जाएगा, बहुत सारा इनाम है कटोली टीम के लिए, कटोली टीम के लिए बहुत सारा इनाम है। बरदरस हॉस्पिटल के ऑनर और इस तरह से आप देख रहे हैं एक जबरदस्त अंदाज में अपने गेम को शो कर रहा है। एक पॉइंट 3-5 लगातार अच्छे भाई और अली मामू लगातार मैं देख रहा हूँ स्कोरिंग कर रहे हैं। तमाम वॉलीबॉल के शायकों के लिए खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर अपने मिशन में कामयाब हो रहा है जायका दरबार कि आपके नाम बहुत बड़े हैं, कि कितना मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। तो आज यहाँ पे 5-3 दो पॉइंट की लीड लेके चल रहा है जरूर भी जायका दरबार, लेकिन एक सेट गंवाया है और फिर वह सैद किसी तरह से गेम संभलिए और डेड ब्लॉक करण संधू का, एक और पॉइंट बहुत देर के बाद ले रहे हैं। 6 और 3 अब जाकर मसरफ भाई की जान में जान आई है, पहला सेट गंवाया तो जायका दरबार की ये सपोर्टर है, हर सपोर्टर अपनी टीम का सपोर्ट करना चाहता है, तो ये टीम तैयार रहेगी। इसके बाद खराब सर्विस और वहां पे आउट ऑफ मार्क निशान भी डिस्टर्ब हुए हैं, ये ऑफिशियल टाइम आउट है, उसको दुरुस्त करें कमेटी के लोग। और बताया जा रहा है कि देहरादून उत्तराखंड दो ट्रॉफी को स्पॉन्स किया, इस खेल को लाइव देख रहे हैं शुक्रिया रेहान संजीव पेशम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड। और यहाँ पे इस तरह से अपने खेल के साथ भी जीत रहा है 4 और 6, 4-6 ही मुकाबला है। सलीम मिर्जा सलीम बेग लालगंज जाने आलम साहब राजा पुरस्कार फहद मगरावा सही पास बिल्कुल नहीं था और ये करण संधु गलती का बैठे हैं। अगले एक और पॉइंट 5 और 6, 1 पॉइंट से पिछड़ा है कटोली दूसरे सेट में, पहला सेट जीतने के बाद परवेश भाई मुस्कुरा रहे हैं कि आज बड़ी मेहनत की है लेकिन अब मजा आ रहा है। दानिश भाई भी मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ वॉलीबॉल का ये मुकाबला अच्छा है और
इस तरह से दोनों टीम का स्कोर बराबर, छह बराबर, तालियों से इस्तकबाल किया जाए, तालियों से इस्तकबाल किया जाए, दोनों टीम का स्कोर बराबर हुआ है। बड़ी कड़ी टक्कर दे रहा है कटोली, कांटे की टक्कर दे रहा है यहाँ पर। जीत जीत तुम और हम, कौन जीतेगा ये देखेंगे हम। ये बेहतरीन मुकाबला है, बहुत खूबसूरत मुकाबला, लेकिन गलती कर बैठे हैं, जरा सा नेट को सलाम कर बैठे हैं इसमें यहाँ पर। और कटोली टीम तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, बड़े साफ सुथरे अल्फाज में बता दिया है जायका दरबार को कि इधर आ सितम गर्भ न आजमाए, तीर आजमा हम जिगर आजमाए, वका संभाला है। और ये हारिस ऊंचा क्लास की श्रीराम संभाल रहे हैं। एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं, ये है करण संधु, इस मरतबा अपने मिशन में कामयाब रहा, करण ने पॉइंट लेने में कामयाब। तो जायका दरबार कह रहा है ये करण है, अभी अर्जुन भी आएगा, जब करण अर्जुन की जोड़ी आएगी तब मैच में मजा आएगा। ये तो करण संधु है, लेकिन ये श्रीराम सर ऑन द सर्विस अंडरनेट, और श्रीराम सर अपने खेल के दम में दम से यूपी पुलिस का बना है शहजादा, इस खेल से उन्हें सर्विस मिली है। तो खेलो, जम के खेलो, मेहनत से खेलो, आपका बड़ा नाम होगा, बड़ा काम भी होगा। एक मरतबा फिर ये करण संधु जाम से जाम टकरा के मारा है, छलका के मारा है, टच आउट करने में कामयाब है। राजेश प्रधान अपनी इब्राहिमपुर की भी बेचैनियां बढ़ी हुई है कि अगर ये निजी पॉइंट सीरियास का एट अगेंस्ट सिक्स और बिल्कुल तैयार रहेगी टीम जिनका बार बार मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अल हुमैरा गारमेंट संभाला है, वाइड स्पेस का चक्कर है, लेकिन आवे कर बैठे वन मोर पॉइंट। अब तीन पॉइंट की लीड ले रहा है जायका दरबार, क्या तीनों से खेला जाएगा? 95% कह रहे हैं जी हाँ, 5% अभी उम्मीद लगा है कि दो सेट पर खत्म हो जाएगा। जायका दरबार अनजान शहीद, तैयब जायका दरबार अनजान शहीद की टीम, एक टीम खेली, एक टीम समोता बैठी भी है, इतने प्लेयरों को लेकर एक टीम आई है। और यहाँ पर सौरभ ठाकुर भी आए हैं, उसे